हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राजुल रतुड़ी और आज फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ये जान सकते हैं कि जो वीडियोस आप यूट्यूब में बनाते हैं वो कौन देखता है, गर्ल्स ज्यादा देखती हैं या फिर बॉयज ज्यादा देखते हैं, और कौन से एज के लोग आपका वीडियो ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में, और आपको ये मैं पीसी में और मोबाइल फोन में दोनों में आपको बताऊंगा कैसे देखते हैं, और आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत से पड़ती है कि देखने के लिए या नहीं पड़ती, ये सब मैं आपको इस आज की वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, और फ्रेंड गूगल क्रोम ओपन करने के बाद फ्रेंड ये मैंने अपने चैनल ओपन कर रखा है, और इसमें फ्रेंड्स आपको मैनेज में जाना है, मैनेज वीडियोस, इसमें आप क्लिक करिए। तो फ्रेंड देखिए जब मैनेज वीडियो आप आ जाएंगी तो आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको डैशबोर्ड, कंटेंट, प्लेलिस्ट, एनालिटिक्स, कमेंट्स, सब टाइटल्स, ये ऐसे ऑप्शन आपको शो करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको एनालिटिक्स में जाना है। जैसे मैं एनालिटिक्स में क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। इसमें फ्रेंड्स आपको ओवरव्यू, रीच, इंगेजमेंट और ऑडियंस और रेवेन्यू आपको ऑप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स इसमें आपको ऑडियंस पे जाना है क्योंकि हमें ऑडियंस चेक करनी है कि हमें हमारे वीडियोज़ कौन देख रहे हैं। तो जैसे मैं ऑडियंस में क्लिक करता हूँ, फ्रेंड जब आप ऑडियंस में क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। इसमें आप थोड़ा नीचे आएंगे तो फ्रेंड फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एज एंड जेंडर लिखा मिल जाएगा। इसमें आप देखिए फीमेल आपको कितनी परसेंट आपकी वीडियोज़ देखती हैं ये लिखा है। जैसे इसमें मेरा लिखा है 18.6% और मेल कितने देखते हैं 81.4%। तो फ्रेंड और नीचे आप देखिए कितने एज के जो लोग आपके चैनल देख रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए इसमें 13 से 17 ईयर्स के 7.6% देख रहे हैं, 18 से 24 ईयर्स के 47.7% देख रहे हैं, 25 से 34 31% देख रहे हैं, और 35 से 44 12.3%, और 45 से 54 1.4%। फ्रेंड ये लोग आपके वीडियोस अभी देख रहे हैं, और फ्रेंड ये मैं आपको दिखा रहा हूँ लास्ट 20 डेज में आपके वीडियोस इतने परसेंट फीमेल्स 18% और मेल्स ने 81% देखी है। अगर फ्रेंड्स आप और उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज करके भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सी मोर में जाता हूँ तो फ्रेंड आपको यहाँ पर शो कर जाएगा व्यूज, वॉच टाइम आपका पता चल जाएगा इससे, और आपको यहाँ पे देखिए लास्ट 20 डेज लिखा है। इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप 7 डेज, 28 डेज, 90 डेज, 65 डेज, लाइफ टाइम, ऐसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं 7 डेज का देखना चाहता हूँ तो जैसे मैं 7 डेज में क्लिक करूँगा और आप नीचे देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर भी आपका जो 7 डेज में कितने ईयर्स के लोगों ने आपका वीडियो देखा है, और कितने परसेंट फीमेल और कितने परसेंट मेल्स ने देखा है, और कितना वॉच टाइम कहाँ से मिला है, ये सब यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इस देखिए फ्रेंड यहाँ पे 13 to 17 दिखा रहा है मेरे वन वीक में कितने परसेंट ऑडियंस ने देखा है, फीमेल्स कितने देखा है 0.7% ने, और मेल्स ने 6.9%। तो फ्रेंड देखिए ऐसे अलग अलग आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएंगे, और आपको जैसे आपको जितना आपको देखना है यहाँ से आप चेंज करके, लास्ट 7 डेज लिखा है तो यहाँ से चेंज करके 90 डेज में कर देता हूँ तो 90 डेज का शो करेगा। ये देखिए 90 डेज़ में आ गया, और मैं यहाँ से दोबारा क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ से अगर मैं 365 डेज करता हूँ तो यहाँ पे बता देगा कितने परसेंट मेल ने और कितने परसेंट फीमेल्स ने आपका वीडियो, और कितने एज के लोगों ने आपका वीडियो देखा है, ये सब देखिए फ्रेंड इसमें शो कर दिया। यहाँ पे व्यूज़ आपको शो करेंगे, अगर आप यहाँ पर वॉच टाइम में क्लिक करेंगे तो वॉच टाइम दिखा देगा वॉच टाइम हमें यहाँ से कितना कितना मिला है। वॉच टाइम देखिए फ्रेंड यहाँ पर वॉच टाइम लिखा हुआ है कितना हमें मिला है, जिस इसमें लास्ट 365 डेज लिखा है तो यहाँ पर वॉच टाइम आ गया है कहाँ से कितना मिला है, और यहाँ पे व्यूज़ आ गए कितने आपको मिले हैं। तो फ्रेंड ऐसे अब यहाँ से आप एज एंड जेंडर से चेक कर सकते हैं कि आपके वीडियोस कौन कौन देख रहा है, ये आपको यहाँ से पता चल सकता है। और मोर सी मोर में जाके आप यहाँ से आपको लास्ट 28 डेज़ ये आप चेंज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये तो मैंने आपको बता दिया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्रेंड, और अगर आपको मोबाइल में चेक करना है तो मोबाइल में कैसे देखते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन में चलते हैं और उसमें देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए मैं मोबाइल स्क्रीन पे फ्रेंड्स आ गया हूँ, और इसमें मैं YT स्टूडियो ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपने YT स्टूडियो नहीं डाला है तो फ्रेंड्स आप प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे मैं YT स्टूडियो मैंने इंस्टॉल कर रखा है और मैं इसको ओपन करता हूँ, तो फ्रेंड देखिए मेरा YT स्टूडियो खुल गया है। इसमें आपको सब कुछ डिटेल सब आपको मिलती है फ्रेंड। इसमें आपके लिए जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको 3 लाइंस ऊपर की तरफ मिलेगी डैशबोर्ड से पहले, इसमें आप क्लिक करेंगे, और इसमें क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपके पास एनालिटिक्स का ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड, वीडियो, प्लेलिस्ट, कमेंट्स और एनालिटिक्स। आपको फ्रेंड्स एनालिटिक्स में क्लिक करना है। अब जैसे फ्रेंड एनालिटिक्स में क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर फिर वही ऑप्शन मिलेंगे ओवरव्यू, रीच, इंगेजमेंट और ऑडियंस। आपको फ्रेंड यहाँ पर ऑडियंस में जाना है। जैसे मैं ऑडियंस में क्लिक करता हूँ तो
तो फ्रेंड जाओ यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ जेंडर दिखा देगा, मेल आपके कितने कितने परसेंट मेल आपकी वीडियोस देखते हैं और फीमेल्स आपके कितने परसेंट देखती है। और फ्रेंड इसमें देखिए एज भी दे रखी है, कौन कौन सी एज के लोग आपके वीडियो देखते हैं। तो फ्रेंड ये यहाँ पर सब आपको यहाँ से दिख जाएगा। फ्रेंड यहाँ भी आप देखना चाहते हैं कि लास्ट 28 डेज लिखा है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं कि 28 डेज लिखा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे 7 डेज 28, जैसे मैंने आपको पीसी में बताया सेम वैसे ही आपको यहाँ से भी ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो फ्रेंड यहाँ से आप बहुत आसानी से ये सब आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दोनों में बता दिया कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कितने परसेंट आपके मेल और कितने परसेंट फीमेल आपके वीडियोज़ देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज मुझे आपको यही बताना था, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।